तो इसमें पैक करके आई है सारी चीज़ें, इसमें पैक करके रखी है। तो भी हम इसे खोलेंगे और इसमें निकलेगा हमारा ख़जाना, जो भी मैंने लेके आई हूँ या जो भी मैं बनाई हूँ वो सारा इसमें पैक्ड है। और इसको मुझे लगाना है, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ शेयर, तो मैं इसे खोल लेती हूँ। ये खुल चुका है। अब इसके अंदर है जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं, तो मैं आपको एक एक करके सारी दिखाती हूँ। तो देखिए सारा कुछ इसमें डाल के रखा है मैंने, तो अभी मुझे देखना पड़ेगा, बहुत टाइम से मैंने खोला नहीं है इसे, तो मैं अभी एक एक करके आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, आज का एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। आज कोई DIY मैं लेके नहीं आई हूँ, तो आज मैं लेके आई हूँ 2023 और 2022 में मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। कुछ चीज़ें बड़ी है जो कि मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती, और कुछ चीज़ें छोटी छोटी है, तो मैं यहाँ पे लेके बैठ चुकी हूँ अभी। उसे निकाल के मैंने पैक किया था और किसी रीज़न की वजह से, तो मैं दूसरे वीडियो में वो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों पैक करके रखी थी और अभी मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। तो वो मुझे लगानी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मुझे ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। जो भी मेरे फ्रेंड्स न्यू मुझसे जुड़े हैं, उनको कोई भी सारे वीडियो चेक करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये मैं वीडियो बताऊँगी जो चीज़ मैंने बनाई है, DIY की है, तो वो आपको पसंद आएगी। तो आई होप कि आप वो मेरे वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी मैंने बनाई, जैसे कि मैंने किचन कैबिनेट्स बनाए थे, तो वो मैं ट्रॉली बनाई थी, तो वो मैं यहाँ पे लेके नहीं आ सकती, तो इसका मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, तो आप वो देख लेना और मेरे वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो आपको पसंद आया तो। तो चलिए छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, और पूरा वीडियो होने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इसमें से कौन सा DIY अच्छा लगे और कितना चला है, कितने साल से मैं बना रही हूँ, और कार्डबोर्ड से और पुट्टी से बनाए चीज़ें कितनी मुझे चल रही है और कितनी ख़राब हुई है। आप देख सकते हो कि आपको जैसी बनाई मैंने दिखाई है वैसे ही अभी तक है, जैसे आपके यूज़ करने पर भी होता है आप किस तरीके से उसे यूज़ करते हो। तो मैं बहुत अच्छे से संभाल के यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद से बनाया, तो क्या है ना, हम बनाते खुद चीज़ें तो हमारा थोड़ा सा अलग माइंड रहता है कि इसे संभालना है, तो चलिए खुशी रहती है। तो पहले तो स्टार्ट करती हूँ मेरा छोटा सा प्यारा सा DIY जो कि मैं हाल ही में बनाया है अभी, तो जो कि है फ्रिज मैग्नेट। तो ये वाला है, और ये क्ले, जो क्ले रहता ना बच्चों का खेलने वाला, वो वाला है, तो क्ले से बनाया है। तो ये वाला फ्रिज मैग्नेट है, जैसे मैंने मैग्नेट लगाया, देखो कार्डबोर्ड से है, तो ये बनाया है, तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मैंने ये फ्रिज पे लगाया है। तो दूसरा वाला हम देखेंगे, वेस्ट मटेरियल से ज़्यादा आपको चीज़ें दिखेगी, ऐसा नहीं कि स्पेशल मैंने इस DIY के लिए सारी चीज़ें खरीदी हैं। और सेकेंड है ये वाला, ये देखो प्यारा सा पीकॉक, तो ये वाला प्यारा सा पीकॉक है, पीछे देख सकते हो आप DVD है, तो यहाँ पे हैंग मैं इस तरीके से हैंग कर लेती हूँ, और ये इस तरीके से, और अंदर ये बॉटल है कांच का, तो इसमें पॉट भी, प्लांट भी लगा सकते हो, जो कि मनी प्लांट होता वो चल जाता है आराम से। और ये देखो इसमें ना आप गीले कपड़े से इसे पोंछ सकते हो, गीला कपड़ा लिया है मैंने, तो आप इसे आराम से साफ कर लेते हो तो ये ख़राब नहीं होगा। तो ये इस तरीके से है, छोटा सा मिनी पिकॉक का, और ये आप वॉल पे लगाओ तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये वैसे की वैसे ही है, इसको भी बहुत टाइम हुआ है अभी, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कितना टाइम हुआ है, मैं कैसे और किस तरीके से यूज़ करूँगी। और थर्ड है हमारा ये वाला, ये भी एक पिकॉक है, आप देख सकते हो, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा सा लगता है। मैंने ये और भी किसी को चाहिए, तो मैंने ये और भी किसी को बना के दिया है, किसी को पसंद आया था, तो यही पे मेरी फ्रेंड है, उसको भी बना के दिया। और एक मैंने बड़ा वाला भी 2024 में बनाया है, तो वो मैंने ससुराल में लेके गई हूँ, तो ये बॉटल से बना है, अंदर बॉटल है, जो सोडा बॉटल होता है ना उसी का है, तो ये इस तरीके से, और इसमें आराम से आप फ्लावर की तरह यूज़ कर सकते हो, फ्लावर पॉट की तरह मैं इसमें फ्लावर भी रखती हूँ, और जैसे ऐसे भी रख सकते हो आप, और इसे भी आप पानी से पोंछ सकते हो, गीला कपड़ा करके इसे साफ कर सकते हो। वो देखो वैसे के वैसा ही है, आपको वीडियो में दिखाया वैसे के वैसा ही है, तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, इसमें मैं भी प्यारी लगती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं, तो मैं फटाफट करूँगी क्योंकि ज़्यादा वीडियो हमें लंबा नहीं करना है। तो नेक्स्ट है ये बटरफ्लाई, हर चीज़ का मैंने जो भी मुझे लगा उसका मुझे दोनों एक साथ बनाना है, तो मैंने दो दो बनाए हैं, और जिसका मैं सिंगल बनाया है वो सिंगल ही है। तो ये वाला बटरफ्लाई है, देखिए
बहुत प्यारा सा, और इसे आराम से आप गीले कपड़े से पोंछ सकते हो। इसका कलर बिल्कुल नहीं जाए, और ये एक्रेलिक कलर है जो कि हम पेंटिंग में बच्चे यूज़ करते हैं। और पीछे इसके इस तरह से होल है, ये जो रिंग आता है ना, हम जब भी कीला लगाते हैं उसमें ये इतना रिंग रहता है, वो वाला यहाँ पे लगाया है। और देखो मजबूत है, आवाज़ देख सकते हो। तो ये बटरफ्लाई है, ये मैंने दिवाली के टाइम पे बनाया था। इस पर आप दिए रख सकते हो और कुछ भी, मतलब ये मैं दीवार पे हैंग कर देती हूँ, और इसके ऊपर आप फ्लावर पॉट भी रख सकते हो। एक मिनट, मैं इस तरीके से भी रखती हूँ, ये देखिए इस तरीके से आप रख सकते हो, इसमें दिया भी रख सकते हो, तो बहुत अच्छा लगता है जब लाइट बंद होता है। तो ये वाला है। फिर दूसरा है, बेस्ट चीज़ों से मैंने ज़्यादातर बनाई हैं, तो दूसरा है ये वाला मिनी टेबल। तो आप सोच सकते हो कि इसके नीचे मैंने क्या लगाया। तो ये है केशमेन, जो बच्चों के आते हैं उसका नीचे का, जो केशमेन ख़राब हो जाता है तो वो नीचे का है। और ये वाला पेन वाला है, ये पेन का है, तो इसमें नीचे में थोड़ा थोड़ा ही कलर दिया है, ज़्यादा नहीं। तो इसको भी आप ऐसे गीले कपड़े से पोंछ सकते हो। तो बहुत ही, इसके अंदर मैंने स्टोन लगाए थे, एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो इसके अंदर मैंने स्टोन लगाए हैं। और ये भी देखिए छोटू सा, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अब टेबल पे रखो, आपके सोफा के सामने टेबल है वहाँ पे रखो तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसके ऊपर आप कैंडल रखो, फ्लावर पॉट रखो, इसके हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो। और 2023 में मैंने स्टार्टिंग किस से की थी, मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैंने स्टार्टिंग किस DIY से की थी, तो DIY ये है। तो ये मेरी बेटी ने ड्राइंग की थी, तो मैंने इससे वॉल पुट्टी का टेक्सचर दिया है जो कि 3D रूप में दिखे, तो मैंने वॉल पुट्टी से इसे ये किया था, उसने ड्राइंग की थी। तो इससे मैंने स्टार्ट किया था 2023 में DIY बनाना। तो ये एक है, और इसे मैं हैंग करती हूँ नॉर्मली, तो अच्छा लगता है ये भी दीवार पर लगाना। और उसके बाद का DIY है जो कि मैंने बनाया था, ये किस चीज़ से बना है, ये टेप रोल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है ना, तो उससे ये मैंने बनाया है। और ये वाला जो है वो आइसक्रीम स्टिक है, तो ये एक्रेलिक कलर ही है, यूज़ किया है मैंने सब पे, और वॉल पुट्टी अंदर से लगाया है। तो बहुत अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। रियल प्लांट भी आप इसमें लगा सकते हो, मतलब बॉटल में रख के पानी में मनी प्लांट उसमें रख सकते हो, तो इस तरीके से लगता है, तो बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है ये। और उसमें प्रिंट कैसा लग रहा है डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन भी मैंने किया है। तो ये है, और एक छोटा सा मिनी वाला बताती हूँ, ये मिनी वाला, ये छोटा सा प्लास्टिक का ढक्कन था, देख सकते हो अंदर, और अंदर मैंने पेपर का इस तरीके से रोल बना के चिपकाया था, उसके ऊपर वॉल पुट्टी किया था, इसके ऊपर इस तरीके से प्रिंट किया हुआ है। तो इसमें भी मैं पानी डाल के मनी प्लांट रखती हूँ, तो ये मिनी टेबल पे भी बहुत अच्छा लगता है, तो देखिए सुंदर लगता है। तो मैं इसे यूज़ करूँगी तब मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊँगी। और दूसरा वाला है एक ये वाला, तो ये बॉटल था जिसमें बच्चों का मतलब दुकान पे जो गोली आता है ना, तो बच्चों ने लेके आए थे, तो कांच का बॉटल था, तो मुझे अच्छा लगे क्यूट सा, तो मैंने इस तरीके से उससे बनाया है। पहले तो कार्डबोर्ड यूज़ किया है, उसके ऊपर फिर वॉल पुट्टी लगाई, तो यहाँ से पानी डाल के आप इसमें प्लांट आराम से रख सकते हो। तो इसको भी मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ, देखिए आप इस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हो। तो दूसरा वाला है, और दीवार पे हैंग करने वाला है ये, तो ये भी बनाया है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर डेकोरेट किया है, और ये सारे फूल जो कि मैंने ही बनाए हैं, और पीछे से आप देख सकते हो ये कार्डबोर्ड से है, और इस तरीके से हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है, और पीछे कार्डबोर्ड है, पीछे रहेगा इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी नहीं लगाया है। तो कुछ इस तरीके से ये भी दो का सेट बनाया था मैंने, ये देखिए। और इसके अंदर मैं लाइट भी डालती हूँ, और आप छोटे बॉटल में पानी डाल के उसमें मनी प्लांट भी रख सकते हो इसमें, तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है। और यहाँ पे इस तरीके से आप मूर्ति रख सकते हो, या आप यहाँ पे डेकोरेटिव का आइटम भी रख सकते हो, कैंडल भी रख सकते हो इस तरीके से, देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है।
तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और ये मैंने दो का सेट बनाया है, कभी भी आप फोटो के साइड में लगाइए, कहीं पे भी लगाओ तो दो सेट होना चाहिए, इसके वजह से इस हिसाब से मैंने बनाया है। और ये नीचे का जो यूज़ किया है मैंने ये वाला, तो ये बॉटल है, बॉटल का कट करके कैप वाला साइड होता है ना, उस साइड का मैंने यहाँ पर लगाया। तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो, आपको ये पसंद आया तो चलिए। तो ये मिक्स है कार्डबोर्ड और उसके ऊपर मैंने वॉल पुट्टी भी यूज़ किया है, तो उस हिसाब से ये सारे DIYs है। और ये देखिए ये छोटा सा मिनी सा साइकिल, तो ये मैंने आप देख सकते हो ये चमक रहा है ना, तो वो CD है जो कि हम CD ख़राब हो जाता है, तो वैसे अभी तो कोई यूज़ नहीं करता, तो पहले का बहुत सारा पड़ा है, तो उस तरीके से मैंने ये क्यूट सा साइकिल बनाया था। तो ये थोड़ा थोड़ा लूज़ हो गया है, बच्चों ने ये किया है, लेते खेलने को लेते थे ना, इसकी वजह से थोड़ा लूज़ हुआ, तो मैं इसका फिर से ये कर दूंगी। तो अभी ये हो गया, और ये है अभी दूसरा हमारा DIY है ये वाला। तो ये जो आप चम्मच देख रहे हो ना, ये तो ये पिछले साल गर्मी के टाइम में आइसक्रीम खाया था, वो सारा बहुत सारा जमा हुआ था, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज किया। इसको किस तरीके से यूज करना है आपको, तो आप इस तरीके से इसके अंदर पॉट रख सकते हो, ये देखिए मतलब कितने पॉट रख सकते हो, और बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है देखिए। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो देखिए। तो इसका भी मैंने बनाया है, ये भी वेस्ट चीज़ से ही है, क्योंकि मेरे पास चीज़ें पड़ी रहती है, लेस भी वो टाइम की रहती है, मैं ब्लाउज भी सीती हूँ, तो इस वजह से ये भी मेरे पास रहती है, और ये स्टोन भी मैं लेती रहती हूँ ना, तो ये रखी रहती है। तो इस तरीके से ये भी हमारा वेस्ट चीज से है, तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा, तो आप उसको भी बना सकते हो। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है ये पॉट, ये वाला पॉट, तो ये मैंने बनाया है, ये नीचे का जो है टेप रोल लगाया है मैंने, और ये जो है पहले तो बॉल के ऊपर मैंने पेपर लगा के फेविकॉल मिक्स से पेपर लगाया है, उसका एक बॉल बन गया, तो उसको कट करके मैंने इसमें इस तरीके से कट आउट कर लिए, इस तरीके से डिज़ाइन बनाई थी, मुझे अलग बनानी थी तो वो बनी नहीं, तो मैंने ये बना दी। तो इस तरीके से इसके ऊपर मैंने डिज़ाइन की है, और इसके अंदर आप अच्छे से पॉट फ्लावर डाल के इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये, और इसके अंदर आप लाइट डाल के भी यूज़ कर सकते हो, तो वो भी अच्छा लगता है बहुत, मैंने इस तरीके से भी बताया है आपको। तो इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट आएगा ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, आपने इसे भी देखा होगा मेरे वीडियोस में, आपने मेरे सारे वीडियो चेकआउट किए होंगे, तो वो भी आपको मिले होंगे। एक मिनट, तो एक ये है स्मोक फाउंटेन, तो ये वाला जो होता है ना, ये बॉटल ही है, मतलब बर्तन घिसने वाला लिक्विड होता है ना, उसका विम बार का, तो उसका बॉटल है, तो मैंने कट करके इसे बनाया है। तो ये पुट्टी का ही है पूरा, ये दिया है छोटा छोटा जो दिया हम दिवाली में लगाते वो है, तो कुछ इस तरीके से उसका लुक है। तो इसमें इस तरीके से मैं रखती हूँ, ये बुद्धा जी है, और इसमें यहाँ पे स्पोक फाउंटेन वाला वो जो आता है वहाँ पर लगाना, और स्पोक फाउंटेन है ये, तो कुछ इस तरीके से है। तो इसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो, चेकआउट कर लेना। तो दूसरा वाला आता है, इसको मैंने बहुत टाइम से पैक करके रखा था, इसका यूज़ नहीं आ रहा था, मतलब मुझे पैक करके रखा था कि ये बच्चे तोड़ ना ले। तो ये एक लॉलीपॉप जैसा पॉट है, तो आप इसके अंदर ये यहाँ से इतना बड़ा इतना ही बॉटल है, इसके अंदर आप आराम से पानी डाल के इसमें मनी प्लांट लगा सकते हो, या फेक प्लांट भी लगा सकते हो, तो ये बहुत क्यूट सा लगता है, जैसे कि लॉलीपॉप है बच्चों के लिए, उस तरीके से ही लगता है क्यूट सा, और उसमें कलर भी बहुत कलरफुल डाले हैं ना मैंने, तो इसकी वजह से बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है। तो कुछ ये भी है, और ये एक छोटा सा कैंडल, तो ये जलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दूसरा वाला आते हैं हम दूसरे वाले पे, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, अभी फिलहाल क्या हुआ है ना, मैंने इसे निकाल के रखा है, मुझे कहीं लगाना है, मगर उसको अभी मैं नहीं लगाऊंगी, तो उसको टाइम है, जब भी मैं लगाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसकी वजह से इसका लाइट भी निकल चुका है। तो एक है मून शेल्फ, एक मून शेल्फ है, इसमें लाइट लगता है, जो कि अभी नहीं लग रहा है,
क्योंकि सारा लाइट निकल चुका है तो इसलिए नहीं लग रहा है लाइट। तो ये एक मून शेल्फ है, ये जो लाइट में लगता है ना बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है, ये इस तरीके से सब लाइट लगता है इसमें। तो अभी सारा लाइट निकल चुका है क्योंकि मैंने पैकिंग किया था इससे। तो इस तरीके से एक मून शेल्फ है और ये भी देखो वैसे की वैसा ही है। और पीछे के साइड में इसे हैंग करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है और तीन जगह पे लगाया है, देखिए यहाँ पे भी लगाया है। तो ये भी ख़राब नहीं हुई, इससे भी मैं गीले कपड़े से पोंछती हूँ तो ये भी ख़राब नहीं होता क्योंकि इसमें हम वार्निश यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई है मेरी पुट्टी और कार्डबोर्ड की। तो वो अभी तक किस तरीके से चल रही है आपने देखा ही है, बहुत अच्छे से चल रही है। और ये पीछे प्लांट दिख रहा है आपको, ये भी मैंने बनाया है। तो ये भी मैंने बनाया है वाटर प्रूफ है, उसको भी आप गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। और ये नीचे का पॉट है उसको मैंने लेस से कवर किया है क्योंकि इसको बनाना बाकी है अभी तक। और इसको मैंने बनाया है जो फाइल कड़क वाला फाइल आता है उससे इसे बनाया मैंने। और जो फाइल होता है या एक्सरे होता है ना उससे मैंने ये इसे बनाया है। तो चलिए तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और अभी दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला है ये वाला, तो दूसरा वाला ये है। तो इसमें सेक्शन है और इसमें आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से उस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पीछे हैंग करने के लिए लगाया है और इसमें मेरे बेटे ने उसका कुछ सामान रखा है। इसमें रबर्स है, रबर्स बैंड और इसके शेप से उसकी सारी बहुत सारा इसमें सामान आ जाता है। तो उस तरीके से इसे यूज किया जाता है। ये भी कार्डबोर्ड से बना है, तो पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए पीछे इस तरीके से कार्डबोर्ड है। इसे रख लेते हैं साइड में और दूसरा वाला ले लेते हैं हम। ये है, बहुत क्यूट सा लगता है। मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखो, आप इसमें फोन मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो। और इसके साइड में है यहाँ पे ड्रॉर्स, तो इसमें भी उसने देखो उसका गॉगल वॉच ये सारी चीज़ें इसमें रखी है। और इसमें नेल है, उसको नेल आर्ट भी पसंद है, इस तरीके से इसमें नेल रखे हैं। और इस तरीके से बड़ा सा बॉक्स आता है जो कि ड्रॉर्स के इससे आता है। तो इस तरीके से कुछ ये भी ब्यूटीफुल सा है, ये भी कार्डबोर्ड से बना है, कार्डबोर्ड से ये बहुत अच्छे से है अभी तक, कुछ नहीं हुआ इसे। और इस आप किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी है। और एक दूसरा है कार्डबोर्ड से, सिर्फ कार्डबोर्ड से ही है। ये देखिए ये क्या है, इसमें ये ग्लास है और इसका आप एज अ पेन होल्डर भी यूज़ कर सकते हो, किचन में स्पून के लिए भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें प्लास्टिक का ये है डाला हुआ, तो पानी से ये ख़राब नहीं होगा। और नीचे से आप ये भी लगा सकते हो ये स्टैंड, क्योंकि वो नीचे से पानी की से ख़राब ना हो, इस तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये भी है, ये भी अच्छा लगता है यूज़ करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये मेरा DIY का हॉल एक वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और न्यू हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे ये सारे DIYs कैसे लगे। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी आपके लिए DIYs लेके आऊँगी और कुछ ब्लॉग्स भी लेके आऊँगी जो कि होंगे अलग से। तो आपको पता चलेगा कि ये सारा सामान मैंने क्यों निकाला है और क्यों आपके साथ शेयर किया, क्यों पैक करके लेके आई हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।